We'll start with 2022 for 1 mark question. So it is a basic questions that you should blank when to say blank. Now, this is a very general question. If you don't know English, then at least you should know the difference between the no and no, right? So just a minute. Yeah. So at least you should, at least you know the meaning of no. And at least this much I'm expecting from you guys. So no and no, you know, right? This is a basic question. So you should know when to say no. I don't know how to explain this kind of question, but yeah, it's pretty general, and you should know how to, you know, interpret these kind of questions. And because if you are not able to do this question, then yeah, it will be a difficult road ahead for you guys. So yeah, moving on to the next question. This is simple. Two straight lines pass through origin. X naught comma y naught equal to 0, 0. One of them passes through the point x1 comma y1 is equal to 1, 3, and the other passes through the point 1, 2. So what is the area enclosed between the straight lines in the interval 0 to 1 on x-axis? Now, for this kind of question, you have to make a xy graph, right? This is the x-axis and this is y-axis. The first point that I have talked about is origin. So this is your 0, 0 point origin. Right, the second point they have talked about is 1, 3. Let's suppose this is 1, this is 2, this is 3. Similarly, here we'll mark points 1, 2, and 3. Right, so one of them passes through point 1, 3. So 1, 3 should be somewhere here, 1, 3, and the other point is 1, 2. So 1, 2 should be here. So this point is 1, 2. Okay. So do two straight lines, okay, now. So passing from origin. Yahan se pass kar rahi hai. And ye two points hai, 1, 3, 1. To main aapko straight line banata hu. Ek 0, 0 se 1, 2 to se pass kar rahi hai, 0, 0 se hote 1, 3 se pass kar rahi hai. To ye is tarike se do lines banengi. Aur aapse pucha gaya hai ki what is the area enclosed between the straight lines इन द इंटरवल 0, 1. तो 0 से 1 के बीच में ये वाले हिस्से में इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो एरिया है वो कौन सा होगा? तो 0 से 1 के बीच में ये लाइन होगी 0 से 1 वाली, और ये 0 x equal to 0 की ये जो लाइन दिख रही है y axis जो मैंने बनाई है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में आपसे एरिया पूछा गया है x equal, 0, सॉरी इंटरवल 0 से 1 ऑन x axis. तो x axis पे 0 से 1 का इंटरवल ये रहा. इन दोनों के बीच में, दो लाइंस के बीच में एरिया कौन सा आएगा? ये वाला एरिया. मैं दूसरे कलर से एक बार इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. सपोज ग्रीन कलर दे, ये जो एरिया है, ये वाला पूरा जो अंदर एरिया रहेगा दो लाइंस के बीच में, इसका हमें एरिया निकाल के बताना है कि कितना एरिया होगा. ठीक है, फाइन. तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा, ऐसा ऐसा और ऐसा. ठीक है, समवट इस तरीके का ट्राइंगल है. अब इस तरीके का ट्राइंगल में आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि आपको एरिया पूछा गया है, दो लाइंस के बीच में इस तरीके का एरिया है, ये ट्राइंगल का शेप है, इसलिए हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. आप बोलेंगे यहाँ पे बेस क्या है? लेट सपोज इस लाइन का फिर भी बेस मान सकते हैं. ठीक है, तो आपको हाइट निकालना पड़ेगी. तो जब भी आपको किसी ट्रायंगल में हाइट नहीं दिखती, तो आप क्या करते हैं, जो बेस वाली लाइन है उसको एक्सटेंड करते हैं और यहाँ से उसकी हाइट मेजर की जाती है. तो ये जो ट्रायंगल है इसमें हाइट हम उसको इस तरीके से रख सकते हैं और बेस हमारा ये हो जाएगा. कोई भी प्रकार का ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा सीधा करके बनाने की कोशिश करूँगा तो ये इस तरीके से बनेगा. सपोज एक लाइन ये है, एक साइड ये रही और एक साइड ये रही. अब ये ट्रायंगल इस तरीके का ही ट्रायंगल है. अब आपको अगर इसमें बोला कि बेस क्या और हाइट क्या, तो बेस तो आप चलिए इसको मान लेंगे. हाइट कैसे निकालेंगे? तो हाइट निकालने के लिए दो तरीके होते हैं. जो पॉइंट है और ये लाइन है, इसके बीच की हाइट निकाल लीजिए, ये तो ये आपके हाइट ऑफ द ट्रायंगल होती है. और ये आप किसी भी पॉइंट को किसी भी लाइन से निकाल सकते हैं. सपोज अगर आपको ये बेस मानना होता तो आपके लिए हाइट क्या होती? ये आपकी हाइट हो जाती. ठीक है, इस साइड के लिए. और अगर ये साइड के लिए, ये साइड के लिए आप अगर इसको बेस मानते तो हाइट क्या निकालते?
इस लाइन को आगे बढ़ाते और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर नीचे गिरा के ये हाइट होती। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड के लिए हाइट एक्सटेंड करके लाइन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका बेस हो गया। अब आपके बेस की लेंथ देखिए, ठीक है, तो ये 1.3 है, 1.2 है, मतलब ये 3, इसकी हाइट कहाँ तक है 3 और इस पॉइंट की कहाँ 2, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर का। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1 सेंट यूनिट नहीं दी गई है, मैं सेंटीमीटर लेके चल रहा हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो 1 यूनिट ले लीजिए, नॉट सेंटीमीटर मानने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो बेस है उसकी लेंथ है 1 यूनिट, ये आपका बेस है, बेस की लेंथ होगी 1 यूनिट। हाइट कितनी होगी, तो हाइट आपकी कैसे निकाली है मैंने, यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे, तो ये तो हाइट जो हाइट आएगी वो भी आएगी 1 यूनिट, 0 से 1 के बीच। सिंपल है, बस यहाँ फॉर्मूले रख दीजिए, 1/2 बेस 1 हाइट 1, 1/2 इज 0.5 यूनिट्स। तो यहाँ पे यूनिट स्क्वायर आएगा, स्क्वायर यूनिट्स क्योंकि एरिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, बस फिगर पहचानना था, अगर आपने फिगर देख लिया इनक्लोज कर लिया तो ये हो जाएगा ये। और आप ये किसी भी फिगर के लिए कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, अगर कोई रेक्टेंगल होगा तो 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे, पेंटागन होगा तो 5 होंगे, हेक्सागन होगा तो 6 होंगे, और 6 कोऑर्डिनेट्स को बस आप रफली मार्क कर लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका फिगर कैसा है, कहाँ दिख रहा है, उसकी हाइट क्या हो सकती है, जो भी आपके अलग अलग मतलब ये पैरामीटर्स होते हैं एक फिगर को लेके, वो आपको सब पता चल जाएंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रेशियोज। सो द रेशियो इज गिवन, पी इज टू क्यू इज 1:2, क्यू इज टू आर इज 4:3, एंड आर इज टू इज 4:5, एंड यू इज 50% मोर देन एस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी इज टू यू। सो नाउ ये क्वेश्चंस मैंने रेशियो इन प्रोपोर्शन में कवर करे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज होती है कि पी इज टू क्यू अगर आपको गिवन है, क्यू इज टू आर गिवन है और आर इज टू एस गिवन है, तो आपको ये जो रेशियोज है इसको इस तरीके से बनाना होता है कि क्यू की वैल्यू जो हो वो सेम हो हर जगह, आर की वैल्यू जो दो जगह दिख रही है वो सेम हो, राइट इस तरीके से। लेट सपोज अगर मैं पहले पहले कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ, आर से शुरू करना चाहे तो आर से करिए। सपोज आर की वैल्यू यहाँ पे 4 है और आर की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना था 12, तो इन दोनों को 12 बनाना है। तो देखिए कैसे, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करके और 4 में 3 का मल्टीप्लाई करके, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 का, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो रेशियो तभी सेम होगा जब दोनों ही वैल्यूज में मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे करेंगे तो 4 4 16 एंड 4 3 12, यहाँ पे करेंगे 3 4 12 एंड 3 5 15, नाउ इट इज कंपेरेबल। ठीक है, अब भी ये कंपेरेबल इसलिए नहीं थे दोनों रेशियोज, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यूज अलग थी, आर की ही वैल्यू अलग थी जिसके बेसिस पे आपको कंपेयर करना था। तो यहाँ पे हमने पहले आर की वैल्यू सेम बनाई तब हम दोनों रेशियो कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू सेम बनाएंगे, तो क्यू अगर आप देखें तो क्यू क्या है, क्यू इस टू आर 16:12 हो गया, हो चुका है हमारा, और अभी हमारे पास था 1:2, तो यहाँ पे अगर क्यू की वैल्यू देखें तो यहाँ 16 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप देखिए इसको तो आप और छोटा कर नहीं सकते 2 से पास, लेकिन 2 को आप 16 बना सकते हैं, तो आप 2 में क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 8 2 16 और 8 1 8, सिंपल। ठीक है, आपके पास देखिए वैल्यू आ गई, क्योंकि वैल्यू सेम है यहाँ पे, आर की वैल्यू सेम, इसका मतलब ये रेशियोज कंपेरेबल है। इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि अगर आप इसको सिंगल रेशियो में लिख सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहता पी इज टू क्यू, पी इज टू क्यू इज टू क्यू आर इज टू एस, क्यों, क्योंकि अब ये सेम है, जैसे पी क्यू की वैल्यू सेम है, तो मगर पी इज टू क्यू का रेशियो क्या है 8:16, क्यू इज टू आर का रेशियो क्या है 16:12, आर इज टू एस का रेशियो क्या है 12:15। तो आप इस तरीके से तब लिख सकते हैं जब क्यू और आर की वैल्यू आपको हर जगह सेम मिलती है। ठीक है, ये हो गया। आपसे पूछा गया है पी इज टू यू, U is what 50% more than S. 50% more than S मतलब 1.5 times S is U. ठीक है, S की वैल्यू कितनी है, अगर आप देखें 15, तो 1.5 into 15 करेंगे ये कितना हो जाएगा 22.5, तो P is to U कितना हो जाएगा, P की वैल्यू आपके पास पता है कितनी 8, U की वैल्यू आपको पता है 22.5। अब एक चीज अगर आपको पता हो कि ये जो वैल्यूज होती हैं ये पॉइंट्स में नहीं होती, रेशो रेशो हमेशा आपके नंबर्स में होते हैं, नॉर्मल जनरल नंबर मतलब डेसिमल नंबर्स, तो इसको आप जस्ट डबल कर दीजिए तो ये इसका रेशियो चेंज हो जाएगा, तो 8:16 हो जाएगा, 22.5 को आप डबल करेंगे तो 16:45, ये आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी रेशियो प्रोपोर्शन में, ये सिर्फ एक एक तरीके से छोटा सा क्वेश्चन था जो मेरे को बताना था, तो मैंने बताया आपको क्योंकि ये पीवाई की उसका पार्ट है, बट ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे बताने से पहले आपने कभी सॉल्व किया होगा, तो आपसे बन जाए बन गया होगा। ओके, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो जनरल एप्टीट्यूड के आप देख रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं,
सब कुछ आता है, रेशियो प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन भी आ रहा है, तो जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग भी आएगा, मैथ्स भी आएगा, एक अभी आप कह देंगे इंग्लिश भी आ रहा है, ग्रामर वगैरह सब आता है, तो ऑल इन ऑल आपको सब प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। ओके लेट्स सी दिस क्वेश्चंस। गिवन द स्टेटमेंट्स पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर। ओके फाइन, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए, देखिए पढ़ना तो ठीक है अपनी जगह, इस क्वेश्चन का करने का एक तरीका बता रहा हूँ कैसे करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, आप जैसे भी करते हो वो आपकी है, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं दैट्स इट, पर्पज है क्वेश्चन सॉल्व करना, मेरे तरीके से करिए अपने तरीके से करिए, डजेंट मैटर। पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ठीक है, तो मेरा तरीका है कि अगर सिस्टर है तो हम उसको सेम लेवल पे बनाएंगे, एक डिस्टिंक्शन आपको क्रिएट करना पड़ेगा सेम लेवल पे, जैसे कि हस्बैंड वाइफ को भी आप सेम लेवल पे रखते हैं और सिस्टर ब्रदर को भी आप सेम लेवल पे रखेंगे, तो आपको एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे वो मैं देखता हूँ। सपोज मैंने लिखा कि पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी सिस्टर मतलब पी फीमेल है, आपने फीमेल के लिए एक डिस्टिंक्शन बना रखा है, मैं बनाता हूँ फीमेल के लिए सर्कल और मेल के लिए रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ पे लिखा पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो ब्रदर सिस्टर है उनको मैं नॉर्मली इसे लाइन से लिखता हूँ। नाउ क्यू इज हस्बैंड ऑफ आर, तो क्यू हस्बैंड है इसका मतलब ये मेल है, ठीक है, तो क्यू इज हस्बैंड ऑफ आर, आर का हस्बैंड है मतलब आर फीमेल होगा ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके का डिस्टिंक्शन हस्बैंड वाइफ के लिए, तो अब क्या हो गया ये ब्रदर सिस्टर के लिए और हस्बैंड वाइफ के लिए ये वाला, क्लियर डिमार्केशन रखना है आपको, तो क्यू के लिए आर उसका, वो आर उसकी वाइफ है, क्यू हस्बैंड है, नाउ आर इज मदर ऑफ एस, तो अब हम नीचे आएंगे एक जनरेशन नीचे, आर इज मदर ऑफ एस, तो यहाँ पे आप नॉर्मल ऐसे रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, मदर ऑफ एस, एस के बारे में बताया नहीं एस क्या है, कुछ नहीं बताया गया है, देन टी इज हस्बैंड ऑफ पी, तो हस्बैंड है तो इस तरीके का एरो, एंड टी इज हस्बैंड ऑफ पी लाइक दिस। नाउ बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन टी इज ब्लैंक ऑफ एस, तो टी क्या होगा, तो टी एस का क्या होगा, तो ये रहा एस की मदर, ये फादर, फादर और ये सिस्टर है फादर की, तो ये आप समझ लीजिए आपकी आंट, आंट के हस्बैंड जो होते हैं वो अंकल होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एन अंकल, सिंपल। और इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, रिलेशन दोनों तरफ से पूछे जाते हैं कि टी इज अंकल ऑफ एस, अगर आपसे पूछा जाता है कि एस टी की क्या लगेगी, तो आपको नीस नेफ्यू इस तरीके के आंसर देना पड़ेगा, राइट, तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते रहे ध्यान देना है कि क्वेश्चन किससे रिगार्डिंग पूछा गया है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, तो उसके बेसिस पे आप आंसर करेंगे। नाउ दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, बट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इसमें एप्लीकेशन देखिएगा किस चीज का, पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, सॉरी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या 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 होते हैं वो बता देता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल में थ्योरम लगती है, सिंपल रिविजन है ये मेरा, तो ये हाइपोटेन्यूस होती है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, गिवन दैट कि हम एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस जिस भी एंगल की बात होगी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेनस होगा, एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, उसमें थ्योरम लगती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, राइट, तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी देखेंगे तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, क्यों बन रहा है राइट एंगल, क्योंकि ये पी और क्यू टेंजेंट है और ये रेडियस है, ठीक है, ये सर्कल, तो सर्कल पे कोई भी टेंजेंट होती है जो आती है किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे अगर जब भी आप एक रेडियस आती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है राइट ट्राइंगल की, सर्कल की बोल लीजिए, ठीक है, तो ये थ्योरम्स आपने क्लास 9 10th में अगर थोड़ा भी अगर आपको याद है, जहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ाई जाती थी वहाँ पे थ्योरम्स होती थी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से ये रिलेशन होता है कि जब भी सर्कल के किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींची जाती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आपने सेंटर तक एक लाइन ज्वाइन की है जो कि रेडियस होती है, तो वो जो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए और दोनों साइड को ज्वाइन करने वाली, तो ये साइड आपकी हो जाएगी हाइपोटेनियस, ये हो जाएगी आपकी अब यहाँ पे एंगल तो गिवन नहीं है, लेकिन सब अगर ये एंगल है तो आप किसी भी एक को परपेंडिकुलर किसी भी एक को बेस मान सकते हैं, क्योंकि अभी इतना फर्क आपको पड़ेगा नहीं, तो इससे क्या रिलेशन निकल के आएगा कि पी आर का जो स्क्वायर है वो क्यू आर के स्क्वायर प्लस
क्यू पी के स्क्वायर है पी के स्क्वायर के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। अब ना आप एक चीज देखिए, ये जो स्क्वायर दिख रहा है कौन सा, ये वाला पी एक्स डब्ल्यू आर, ठीक है, एक्स डब्ल्यू आर पी जो भी आप नाम देना चाहिए, ये वाला जो स्क्वायर, इसको एक नंबर दे दीजिए, इसको दो दे दीजिए, इसको तीन दे दीजिए, लेट्स सपोज। तो ये जो एक नंबर वाला स्क्वायर है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकालेंगे, ये स्क्वायर बोला गया है, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है? साइड का स्क्वायर, ये साइड इंटू साइड, जो भी आपको ईजी लगता है। तो यहाँ पे स्क्वायर का साइड क्या, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती तो कोई सी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लेट सपोज पी आर लेता हूँ, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर मतलब ये, ठीक है ना, इसका मतलब ये क्या है, एरिया ऑफ एक्स डब्ल्यू पी आर, ये इस स्क्वायर का एरिया है। सिमिलरली अगर आप क्यू आर को देखेंगे, क्यू आर कहाँ है, ये रहा। अब एक चीज नोटिस करिए, ये जो क्यू आर है ये रेडियस है, आर जेड क्या है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों साइड्स बराबर हुए। अगर ये दोनों साइड्स बराबर हुए तो हम क्या लिख सकते हैं क्यू आर को, आर जेड का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर आर जेड का स्क्वायर, सिंपल। तो आर जेड क्या है, अगेन ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया निकालेंगे तो साइड का स्क्वायर मतलब आर जेड का स्क्वायर, आर जेड क्या हो गया, एरिया ऑफ जेड वी यू आर, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आर यू वी जेड दिया हुआ है, आप आर यू वी जेड दे सकते हैं, डजंट मैटर, किसी कहीं से भी शुरू करके कहीं से भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली प्लस क्यू पी का स्क्वायर, नाउ क्यू पी इज अगर दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, सिमिलरली पी क्यू का स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ ये थर्ड एस पी क्यू टू, एरिया ऑफ एस पी क्यू टू, ये आपका आंसर होगा इस, क्योंकि इसी के टर्म्स में आपसे क्वेश्चन में आंसर पूछे गए, तो आप निकालेंगे, लेकिन आपके आंसर माइनस के टर्म्स में है, राइट? तो माइनस के टर्म्स में है तो क्या पूछा गया है आपसे, एरिया ऑफ पी एक्स डब्ल्यू आर दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो नहीं, ये वाला आप तो ऑप्शन नहीं आएगा। एरिया ऑफ एस पी क्यू टी, ये दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी एक्स डब्ल्यू आर माइनस, तो ये जब ये उठा के आप उसको उस तरफ भेजेंगे इक्वल टू की, तो यही हो जाएगा कि एरिया ऑफ पी एक्स डब्ल्यू आर माइनस एरिया ऑफ आर यू वी जेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ एस पी क्यू पी, ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये इक्वल टू दिए गए हैं, इक्वल टू नहीं दिए सकते, इक्वल तो है ही नहीं, ये आप देख ही चुके हैं, तो ये वाला आपका आंसर गलत है। तो आपका आंसर जो सही होगा वो क्या आंसर सही होगा, ये वाला सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप पहचान पाते तो। पाइथागोरस का जो एप्लीकेशन है वो बहुत वाइड है, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये इस थ्योरम को विजुलाइज करने की, जहां आपको लगता है कि यहाँ पाइथागोरस लग सकता है, आप एक बार जरूर कोशिश करें लगाने की, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ओके, तो हेल्दी ईटिंग इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ हेल्दी एजिंग, राइट? व्हेन शुड वन स्टार्ट ईटिंग हेल्दी? इट टर्न्स आउट दैट इट इज नेवर टू अर्ली। फॉर एग्जाम्पल, बेबीज हु स्टार्ट ईटिंग हेल्दी इन द फर्स्ट ईयर आर मोर लाइकली टू हैव बेटर ओवरऑल हेल्थ एज दे गेट ओल्डर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट लॉजिकल इन्फरेंस बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन द अबव पैसेज। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज हेल्दी ईटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर दोज विद गुड हेल्थ कंडीशन बट नॉट फॉर अदर्स। डिड दिस पैराग्राफ हैज एनीवेयर मेंशन दिस काइंड ऑफ थिंग? नो। हेल्दी ईटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर दोज विद गुड हेल्थ कंडीशन बट नॉट फॉर अदर्स। नो, इट इज फॉर एवरी वन, राइट? इट इज नॉट मेंशन एनी वेयर दैट इट शुड बी, इट इज ओनली फॉर गुड हेल्थ कंडीशन। नाउ तो दिस ऑप्शन इज नॉट राइट। सेकंड वन इज ईटिंग हेल्दी कैन बी स्टार्टेड इन एनी एज, अर्लियर द बेटर, राइट? अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, बेबीज हु स्टार्ट ईटिंग हेल्दी इन द फर्स्ट ईयर आर मोर लाइकली टू हैव बेटर ओवरऑल हेल्थ एज दे गेट ओल्डर। तो बेबीज जब आप बोल जाएंगे, यहाँ भी वो कहना चाह रहा है कि बेबीज, बच्चे फर्स्ट ईयर में ही अपना हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करते हैं, और जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी हेल्थ बेटर होती जाती है। तो यहाँ पे इस बात का इन्फ्लुएंस क्या ये निकाला जा सकता है कि आप जितना जल्दी खाना शुरू करेंगे हेल्दी फूड, उतना ज़्यादा मतलब आपकी हेल्थ बेटर होती जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे एक ये वाला इन्फ्लुएंस, एक पॉसिबल इन्फ्लुएंस है कि ईटिंग हेल्दी कैन बी स्टार्टेड इन एज अर्लियर द बेटर। अभी हम इसको आंसर क्यों नहीं मार्क कर रहे, क्योंकि हमारे पास दो इन्फ्लुएंस और भी हो सकता है, इससे भी ज़्यादा करेक्ट कोई इन्फ्लुएंस आपको मिल जाए, तो इसीलिए कभी भी ये गलती नहीं करेंगे जब तक आप चारों ऑप्शन को पढ़ ना लें और तीन को आप एलिमिनेट ना कर सकें। ईटिंग हेल्दी एंड बेटर ओवरऑल ओवरऑल हेल्थ
are more correlated at a young age but not at older age. No, it is not written anywhere. It is not mentioned anywhere in that. And like it is that are more correlated at young age, right? तो young age में ईटिंग हेल्थी बेटा ऐसा जरूरी नहीं है. आप कभी भी बच्चे खाते हैं तो क्या बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं होती? होती है. एडल्ट पर्सन कोई भी खा रहा है उसकी भी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये हम ये वाला जो इन्फ्लुएंस है इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं. लास्ट वन इज हेल्दी ईटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एडल्ट देन किड्स. इट्स नॉट मतलब दिस इज नॉट राइट एनी वे बट इट इज ऑल्सो नॉट मेंशन इन दैट पैराग्राफ बिकॉज आपको ही पता होगा कि इन जनरल सेंस अगर मैं बात करूँ कि हेल्दी ईटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एडल्ट देन किड्स. बाय द वे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको जब इस तरीके के पैराग्राफ लगाएं तो आप अपना जनरल सेंस यूज मत करना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है कई बार वो हाइपोथेटिकल होती है. तो वहां पे सिर्फ आपका इन्फेरेंस देखते हैं, ये नहीं देखना कि आपको इस नॉलेज इस सब्जेक्ट का कितना ज्यादा नॉलेज है. सो स्टिल अवॉइड योर जनरल नॉलेज, जस्ट यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ एंड दैट विल बी आई थिंक दैट इज द राइट थिंग टू डू एट दैट टाइम. हम ये गलती काफी बार करते हैं. सिलॉजिज्म्स के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हमको लगता है कि नहीं ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ऑल पेंस आर पेंसिल्स, हम बोलते हैं कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो इस तरीके से नहीं होता, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सिर्फ हमें वही यूज करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये भी कहीं मैंशन नहीं है. तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सही, वो सिर्फ यही ऑप्शन सही है. ओके, सो दिस इज अ पार्टनरशिप क्वेश्चन जो मैंने आपको शायद कराया होगा. पी इन्वेस्टेड 5,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स ऑफ अ ईयर, क्यू इन्वेस्टेड रुपीज एक्स पर मंथ फॉर 8 मंथ्स ऑफ द ईयर इन पार्टनरशिप बिजनेस. द प्रॉफिट इज शेयर्ड इन प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन दैट ईयर. ओके, इफ एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट ईयर क्यू रिसीव 4/9 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन रुपीज. ओके, तो सबसे पहली बात, जब भी कोई पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इन टर्म्स ऑफ टोटल मनी या इन द रेशियो ऑफ, नॉट इन टर्म्स, बोलिए इन द रेशियो ऑफ द टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स. ये सिंपल जनरल रूल है. ठीक है, हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करते देखते हैं. पी ने कितना इन्वेस्ट किया है? 5,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स. तो पी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 5,000 पर मंथ है और कितने मंथ के लिए? 6. तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 30,000. क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया है? एक्स रुपीज पर मंथ. कितना? 8 मंथ के लिए. तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 8x. नाउ रेशियो क्या है? क्यू रिसीव 4/9 ऑफ द टोटल प्रॉफिट. अब आपको मैंने बोला कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा किसके बेसिस पे? इनके टोटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बेसिस पे. तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 30,000 डिवाइड बाय 8x. अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि लेट सपोज आपका एक रेशियो है 4:3 का. ठीक है, ये आपके क्वेश्चन से थोड़ा अलग पार्ट है, 4:3 का. तो अगर मैं इनको मतलब रेशियो को मैंने आपको फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को रेशियोज में कन्वर्ट करना सिखाया है वीडियोस में, तो मैं यहाँ पे वही पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा? तो मैंने इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? 4 और 3 तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन इनके डिनोमिनेटर में क्या आता है? दोनों का सम, क्योंकि ये टोटल कितने हिस्से हो रहे हैं वो देखा जाता है. तो इसके पास अगर 4 पार्ट है किसी चीज़ के, इसके पास 3 है, तब इसका रेशियो 4:3 हो रहा है. तो इसका इसका प्रपोर्शन क्या है या इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 4:7, इसका 3:7, क्यों? टोटल 7 बॉक्सेस थे जिसमें से इसके पास 4, इसके पास 3 है, राइट? अब यहाँ पे आपको गिवन है कि क्यू रिसीव 4/9. ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि क्यू के पास क्यू का रेशियो क्या है, क्यू का जो फ्रैक्शन है या पार्ट है वो कितना है? 4:9. तो पी और क्यू का रेशियो क्या होगा? अगर आपको मैंने लिखा बताया कि जो नीचे 9 आता है फ्रैक्शन में, इसका मतलब क्या? टोटल पार्ट कितने हैं? 9, जिसमें से 4 क्यू के पास कितने हैं? 4. तो पी के पास कितने जाएंगे? 5. लॉजिकली यही होगा, पी का रेशियो क्या होना चाहिए, पी का जो पार्ट होना चाहिए क्या होना चाहिए? 5/9. ठीक है, एक तरीका यह हो, ये है. दूसरा तरीका क्या है कि आपको ये पता है कि दो ही पार्टनर है, जिसका मतलब दोनों का जो पार्ट है वो सम करेंगे तो 1 आना चाहिए. तो अगर क्यू 4/9 है तो पी क्या हो जाएगा? 1 - क्यू.
तो 1 माइनस क्यू इज 4/9 इज 5/9, और दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो पी अपॉन क्यू इज वट, 5/9/4/9, 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रेशियो हो जाएगा 5:4 या 5/4। ठीक है, तो हम वो इस रेशियो को यहाँ यूज करेंगे, तो हमारा जो रेशियो है पी बाई क्यू का वो कितना है 5/4। सिंपल है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 इंटू 4/5 8, और ये जो एक्स है उसको उधर भेज दिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू, तो 6,000, 4 1 4, 4 2 8, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3,000, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3,000। मैं आपको इतना डिटेल में ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, कितना पार्ट होता है, कैसे वापस रेशियो में कन्वर्ट होता है, इससे रिविजन हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज द सम डेटा गिवन, लेट वी विल सी, फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन। द अबव फ्रीक्वेंसी चार्ट शोज दैट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जाम, राइट। ये क्या शो कर रहा है, इट इज अ फ्रीक्वेंसी चार्ट, यहाँ पे गिवन है फ्रीक्वेंसी है, ये मार्क्स है और स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ओके, ये फ्रीक्वेंसी है मतलब ये मार्क्स है, मतलब 3 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, 4 मार्क्स 9 बच्चों के आए हैं, 5 मार्क्स 11 स्टूडेंट्स, 6 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स, 7 मार्क्स 14 स्टूडेंट्स, 8 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स एंड 9 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स। फाइन, ना पूछा गया है फ्रॉम द डेटा प्रेजेंटेड अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मीन मीडियन मोड बताना है। फाइन, हमें आंसर हम बाद में देखेंगे, बिफोर दैट हम उसकी वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीन क्या होगा। मीन छोड़िए, पहले हम सबसे इजीली जो हमें यहाँ पर पता चल रहा है, हम यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे मीन की, मीडियन की और मोड की। मैं मीन सबसे लास्ट में निकालूंगा, बिफोर दैट हम सबसे इजी जो हमें पता चलता है देख के होता है मोड। बार ग्राफ है, सारी वैल्यूज अलग अलग है, सारी फ्रिक्वेंसीज अलग अलग है, तो मोड क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी आपको दिखती है, जितनी ज्यादा बार एक वैल्यू रिपीट हो रही है वही वैल्यू आपकी मोड होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 7 की, कितनी 14, तो आपका मोड जाएगा 7। सबसे सिंपल चीज जो आप इस चार्ट को देख के बता सकते हैं। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो गिनते हैं, 3 + 9 12, +11 23, +7 30, +14 44, +2 46, +4 50, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50। मीडियन क्या होता है, मिडिल नंबर। अगर आप देखें कि मिडिल नंबर यहाँ पे क्या होगा, हाफ तो उसका 25 होता है, 25 26 जो भी है इनके बीच, मतलब 25 इज द मिडिल नंबर, या आप और बीच में जाएंगे तो 24 और 25 के बीच, मतलब यहाँ पे एक इवन नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे आपको उसका मिडिल नंबर निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, बट आपको यहाँ पे इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने स्टैटिस्टिक्स के वीडियो में बताया होगा किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक, तो अब आप देखेंगे हाफ, लेट सपोज अभी यहाँ पे आप 25 ले लीजिए, आपका 25th स्टूडेंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, 3, यहाँ पे कितने 9, तो टोटल 12 स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके कवर हो चुके। इसके बाद 12 + 11 23, ठीक है, यहाँ तक आपको 23 स्टूडेंट्स कवर हो रहे हैं, और यहाँ पे 23 7 30, इसका मतलब क्या है कि 25 26 27 28 29 30, मतलब कि इस रैंक के जितने भी बच्चे हैं 25 से 30 तक, उन सब के मार्क्स कितने आए हैं, 6। ठीक है, इसका मतलब 25 सॉरी 25 भी तो 24 भी, 24 से लेकर 30 तक के जो भी बच्चे हैं, लाइक जस्ट 23 एंड 24, 25, 26, 27, राइट, 7 स्टूडेंट्स है, फाइन। तो 24 से 30 तक कितने जो भी बच्चे हैं 6 मार्क्स आए, तो आपका जो 25th या 26th के बीच में जो भी आप लेते हैं एवरेज लेते हैं, 25th और 26th टर्म का ले लीजिए, तो जो एवरेज भी होगा वही सेम होने वाला है, क्योंकि दो वैल्यूज है 6 एंड 6 अल्टीमेटली, क्योंकि 25th वाला, 26th वाला, 27th वाला सारे टर्म यही है, तो आपको जो मीडियन होना है वो यही होना है। ठीक है, आपको जो मीडियन होगा वो क्या होगा, यही होगा। आपको मीडियन का मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो आपका जो मीडियन होता है वो क्या होता है, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म का एवरेज। n/2 टर्म यहाँ पर अगर देखिए 25th टर्म 6 है एंड 26th टर्म भी 6 है, अब 6 + 6 का एवरेज भी 6 ही आना है, इसीलिए आपका जो मीडियन होगा वो 6 ही होने वाला है, तो आपने मीडियन भी निकाल लिया। अब यहाँ पे मीन कैसे निकालेंगे,
मीन निकालने के लिए आपको पता होगा, अगर आप देखें कि इस डेटा को अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा टोटल 50 ऑब्जर्वेशन, तो कैसे लिखूंगा, जैसे 3 मार्क्स 3 बार आए, इसका मतलब 3 3 3, 4 मार्क्स 9 बार, तो ऐसे पूरे डेटा को लिखने की कोशिश करूंगा, उसके बाद सबको ऐड करूंगा। तो इतना करने से अच्छा मैं आपको एक डायरेक्ट चीज़ बता दूँ कि टोटल आपको सम निकालना है सारे वैल्यूज का, मीन जितने नंबर ऑफ मार्क्स मार्क्स आए हैं बच्चों के, उनका आपको सम निकालना है। तो 3 × 3 करेंगे 9, यही सम आएगा 3 + 3 + 3। सिमिलरली 4 × 9 = 36, 5 × 11 = 55, 6 × 7 = 42, 7 × 14 = 98, 8 × 2 = 16, 9 × 4 = 36। इन सबका सम कर दीजिए, तो 36 + 9 = 45 + 55, 100, 142, 8 = 150 एंड 90 = 40, 256, 262 = 30, 292। टोटल कितने बच्चे आपके पास 292 है, तो 50 डिवाइड बाय 50 कर लीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ मार्क्स पता चल गए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एवरेज निकल जाएगा। तो ये कितना आएगा, 5.9 समथिंग आएगा, विच इज स्टिल लेस। तो अगर आपको यहाँ से रिलेशनशिप पता चल रहा, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्या है, मोड। मोड सबसे बड़ा, उससे छोटा क्या है, मीडियन, उससे छोटा क्या है, मीन। तो मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, दैट्स इट। तो मोड इज ग्रेटर देन इज ग्रेट मीडियन एंड ग्रेटर देन मीन, सो दिस इज योर आंसर। दैट इज हाउ यू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ इन द स्क्वायर ग्रिड शोन ऑन द लेफ्ट अ पर्सन स्टैंडिंग एट पी टू पोजिशन, सो दिस इज द क्वेश्चन। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पी टू पोजिशन, राइट। तो पी टू पोजिशन मतलब ये वाला पी एंड टू, यहाँ पे स्माइली जो दिख रही है आपका पर्सन स्टैंडिंग है। नाउ अ पर्सन स्टैंडिंग पी टू पोजिशन इज रिक्वायर्ड टू मूव टू पी फाइव, हमें इसको कहाँ तक ले जाना है, पी फाइव तक, मतलब इस पोजिशन पे लेके आना है यहाँ पे। द ओनली मूवमेंट अलाउड फॉर अ स्टेप इन्वॉल्व्स टू मूव्स अलोंग वन डायरेक्शन फॉलोड बाय वन मूव इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, राइट। द परमिसिबल डायरेक्शन फॉर मूवमेंट आर शोन इन द डॉट्स अराउंड इन द राइट। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन इज दैट पोजिशन गिवन पोजिशन वाई कैन मूव ओनली टू पोजिशन मार्क एक्स ऑन द राइट विदाउट ऑक्यूपाइंग एनी ऑफ द शेडेड स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट ऑक्यूपाइंग एनी ऑफ द शेडेड स्क्वायर्स, मतलब कि ये जो शेडेड स्क्वायर्स हैं इन पे आपको कहीं पे भी नहीं रुकना है, आप इन पे पास इसके ऊपर से जा सकते हैं बट आप यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू गो फॉर पी टू पी फाइव, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड, तो आपका मूवमेंट कैसे हो सकता है, या आप किसी भी पोजिशन पे हैं तो आप वहां से मतलब किसी भी डायरेक्शन में दो स्टेप चल सकते हैं, मतलब दो बॉक्सेस कर चल सकते हैं, एंड देन वहां से आपको किसी भी एक डायरेक्शन में परपेंडिकुलर किसी भी डायरेक्शन में जाना होगा। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ गए तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है ये या फिर ये, तो आपको किसी भी एक डायरेक्शन में एक बॉक्स और जाना होगा। तो इस तरीके से टोटल आपको 3 बॉक्स कवर करने हैं अगर देखा जाए तो, राइट। तो किस तरीके से शुरू करेंगे, अब बहुत सोचेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम पी टू से कहाँ जाएंगे, हम पी टू से जाते हैं, सपोज हम यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएंगे 2 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 3, इस डायरेक्शन में देन इस डायरेक्शन में 2 इधर 1 इधर, तो या तो यहाँ जा सकते हैं, इस तरफ तो नहीं जा सकते, इस तरफ जा सकते, तो यहाँ से 2 इधर और 1 इधर, ठीक है, या तो यहाँ तो यहाँ। तो लेट सपोज हम यहाँ चलते हैं, ठीक है, अभी हम यहाँ पहुँच गए। नाउ इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, R3, यहाँ से किस किस डायरेक्शन में, यहाँ से आप हर डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन देखेंगे तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जा सकते हैं ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ वापस जाएंगे तो आप वापस स्माइली पे पहुंच जाएंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता, और राइट हैंड साइड पे आप ऑक्यूपाई कर नहीं सकते P4 को, तो आप ऊपर वाले डायरेक्शन छोड़ सकते हैं। सामने साइड अगर यहाँ देखेंगे तो R4 R5 एंड देन S5 में, तो ये वाले बॉक्स में जाएंगे, तो यहाँ से जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को नहीं लेके, तो आप ये पास ये वाला ऑप्शन भी जो वो भी खत्म है, आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ कहीं भी जा सकते हैं। तो आप कहाँ जाना ज्यादा फिजिबल होगा, राइट। तो R3 से अगर हम देखेंगे तो हमको कहाँ जाना चाहिए, लेट सपोज यहाँ जाएंगे, यहाँ से वापस इस डायरेक्शन में आएंगे तो वापस जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाने का सेंस नहीं बनेगा क्योंकि आप वापस घूम रहे हैं वहीं वहीं, तो लेट सपोज इधर चलते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से,
यहाँ गए, अब यहाँ से, अब देखिए यहाँ से अगर आप वापस जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ इस तरफ जाएंगे और फिर या तो इधर जाएंगे या तो इधर, इधर तो जा नहीं सकते, तो या तो यहाँ जाएंगे तो वापस आएंगे, तो इधर जाने का सेंस नहीं है। इस डायरेक्शन में आप जा नहीं सकते, इधर आप जा नहीं सकते, अब बचा वापस ऊपर। यहाँ से ऊपर जाने से कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से इधर दो और एक यहाँ पे, यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप यहाँ पहुँच रहे हैं, सेकेंड स्टेप आप यहाँ पहुँच रहे हैं, थर्ड स्टेप में आप यहाँ पहुँच रहे हैं। अब अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ इस तरफ पीछे नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते, नीचे एक ऑप्शन है और एक ऑप्शन आपके पास कहाँ है, सामने से। तो अगर मैं सामने जाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ और यहाँ, राइट। तो ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। अब यहाँ से आप सीधा P5 पे जा सकते हैं, इस तरफ जाके और इधर, ये आपका फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। तो मिनिमम आपको 5 स्टेप यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप ये देखिए, 5 पहुंचने के लिए आपको किस किस बॉक्सेस में रहने की जरूरत है। सपोज अगर P5 पे जाना है तो आपको या तो यहाँ रहने की जरूरत है Q3 में, जो पॉसिबल नहीं है, या फिर फोर्थ पोजिशन में जहाँ पे हम थे वहाँ रहने की जरूरत है। तो या आपको यहाँ आने, 2 ही पोजिशन पॉसिबल हैं, ठीक है, तो या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। यहाँ आने के लिए आपके आप चांस देखिए, या तो यहाँ से आएंगे या यहाँ से आएंगे, दोनों जगह से आप आ नहीं सकते, राइट। अब बची बाकी पोजिशन P5 पे, आप वहाँ से तो वापस आएंगे नहीं, राइट। यहाँ पे आने के लिए या तो आपको यहाँ आना पड़ेगा या फिर यहाँ रहना पड़ेगा, यहाँ आप रह नहीं सकते अगेन। सो 2 पोजीशंस बचती हैं, फिर आपको इन दोनों जगह पोजीशंस पे आना है तो कैसे आएंगे। तो इस तरीके से मतलब आप टैकल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है पूछने में, मुझे भी लगता है टाइम पूछने में, बट अगर आप थोड़ा जल्दी जल्दी आप अपने मूव देखेंगे तो आपको ये हो जाएगा। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या PhD का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान। हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन। मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेद में, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेद में वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। WED Me, एजुकेटिंग इंडिया। WED Me, एजुकेटिंग इंडिया।